हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीड टुडे। आज हम अपनी 2024 इग्निस ज़ेटा ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर नया इंफोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल कराने जा रहे हैं। ये एंड्रॉइड डायमंड प्लेट जिसको हम अपनी इग्निस के अंदर इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं। ये जो स्टीरियो में काफी टाइम से इंडियन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, जिसका डिजाइन भी हमें काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है और इसी के अलावा इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी हमें काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलती है। बाकी वैसे इग्निस के स्टॉक इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हमें 7 इंच का वही स्मार्ट प्ले स्टूडियो देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें ऑलमोस्ट सभी सुजुकी कार्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। इस स्टीरियो के अंदर एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी वायर्ड ही देखने के लिए मिलता है। तो ये जो स्टीरियो है काफी ज्यादा आउटडेटेड है 2024 के हिसाब से। तो इस वीडियो में आपको इस नए डायमंड प्लेयर के सभी फीचर्स के बारे में बताएंगे। बाकी इसी रात इस स्टीरियो के इंस्टॉलेशन और इसके प्राइसेस के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले स्टीरियो के बॉक्स की बात करें तो हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ हमें स्टीरियो की इमेजेस देखने के लिए मिलती है, बाकी नीचे की तरफ हमें एंड्रॉइड की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखें तो हमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की बैजिंग देखने के लिए मिलती है और इस बॉक्स के ऊपर में कोई भी बैजिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। बाकी अब स्टीरियो की बात करें तो यह 10.5 इंच, इसके अंदर हमें कोर साइज भी देखने के लिए मिलता है जो कि 11.5 इंच। तो जो डायमंड प्लेयर है इसके अंदर में दो क्वालिटीज देखने के लिए मिलती है जो कि 2K प्लेयर और 1080p। ये जो स्टीरियो है 10.5 इंच है, क्योंकि इतने से ज्यादा बड़ी कार नहीं है तो इस कार के हिसाब से ये जो साइज है इनफ है। बाकी इसी तरह स्टीरियो की जो परफॉर्मेंस है इस प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलती है। ये जो डायमंड प्लेयर इसकी लुक हमें सेम ही देखने के लिए मिलती है जैसे कि हमें 11.5 इंच के अंदर दी जाती है, लेकिन इसकी जो स्क्रीन क्वालिटी है इसके अंदर में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। बाकी इसी तरह स्टीरियो के अंदर में दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं जो कि 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, इसी तरह 2GB रैम और 32GB स्टोरेज। ये जो वेरिएंट है 232 है, जिसकी परफॉर्मेंस भी हमें डिसेंट देखने के लिए मिलती है। बाकी अभी स्टीरियो के कुछ फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें दो डाइस देखने के लिए मिलते हैं। लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ से हम इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम इसकी वॉल्यूम म्यूट भी कर सकते हैं। राइट साइड कंट्रोल की तरफ देखें अगर इस डायल को हम राइट और लेफ्ट में ट्विस्ट करेंगे तो हम इसके मीडिया को आगे या पीछे कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो मीडिया को पॉज भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम नीचे की तरफ में देखें तो यहाँ पर हमें कुछ कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से हम इसकी नेविगेशन को एक्सेस कर सकते हैं, इधर की तरफ हम इसकी म्यूजिक को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हमने स्टीरियो के अंदर म्यूजिक सेव कर रखा या फिर अगर हमने कोई भी पेन ड्राइव प्लग इन करी है तो उसको भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सेंटर में देखें तो यहाँ पर हमें होम का बटन देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फंक्शन भी देखने के लिए मिलता है, यहाँ से हम कोई भी फोन को पेयर कर सकते हैं। बाकी इधर की तरफ हमें देखें तो यहाँ से हम स्टीरियो की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ स्टीरियो की यूआई की बात करें तो हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। डायमंड 2 के प्लेयर के अंदर में काफी सारे डिफरेंट यूआई देखने के लिए मिलते हैं। इस स्टीरियो की बात करें तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड के ऊपर में कार की स्पीड देखने के लिए मिलती है, राइट साइड में देखें तो यहाँ पर हमें करंट मीडिया देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हम कोई भी म्यूजिक प्ले करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर हमें इसका एफएम का कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर हमें 5 ऐप्स देखने के लिए मिलते हैं जिसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको हमने फ्रीक्वेंटली यूज करना होता है। ऊपर की तरफ हमें देखें तो यहाँ पर हमें स्टीरियो के कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। बाकी स्टीरियो के अंदर भी हमें एंड्रॉइड फोन की तरह कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हमें एंड्रॉइड फोन के अंदर ऐप ड्रॉअर देखने के लिए मिलता है, वैसे हमें स्टीरियो के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। अब स्टीरियो के ऐप ड्रॉअर की बात करें तो उसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर में ऑलमोस्ट सभी ऐप्स का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, बाकी इसी रात स्टीरियो के अंदर में इक्वलाइजर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, जिसका ऐप हमें यहाँ पर दिया जाता है। बाकी स्टीरियो के अंदर में ऐप देखने के लिए मिलता है जो कि है Z-Link। अगर हम इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ से हम स्टीरियो का एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो एक्सेस कर सकते हैं। इस स्टीरियो के अंदर में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। इस स्टीरियो के रिवर्स कैमरा की बात करें तो क्योंकि इग्निस का ज़ेटा वेरिएंट है तो इसके अंदर में कोई भी रिवर्स कैमरा देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अंदर में आफ्टर मार्केट रिवर्स कैमरा इंस्टॉल करा है। इसके आउटपुट की बात करें तो उसकी क्वालिटी हमें कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है। इस कैमरे की क्वालिटी हमें काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलती है। कैमरा प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें दो टाइप के कैमरास देखने के लिए मिलते हैं, एक जो यहाँ पर हमें बम्पर के अंदर होल करके लगाने पड़ते हैं और एक यहाँ पर हमें अपमाउंट कैमरास देखने के लिए मिलते हैं। ये एकदम OEM टाइप ही लगता है, इसकी फिटिंग हमें कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है। बाकी अभी स्टीरियो की फिटिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फ्रेम परचेज करना पड़ता है जिससे स्टीरियो इस कार के अंदर फिट हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पर हमें 300 रुपीज का अडेप्टर देखने के लिए मिलता है, जिससे कि अगर हमें कोई भी पेनड्राइव प्लग इन करनी है तो हम यहीं से कर सकते हैं। जो हमें स्टॉक USB का पोर्ट देखने के लिए मिलता है हमें स्टीरियो के अंदर वहीं से पेनड्राइव प्लग इन कर सकते हैं। इसी के साथ अभी स्टीरियो के प्राइसेस की बात करें तो स्टीरियो का प्राइस लोकल डीलर के ऊपर वेरी कर सकता है। इस स्टीरियो का प्राइस हमें 11,000 रुपीज से लेकर 12,000 रुपीज तक देखने के लिए मिलता है। बाकी इसी यहाँ पर हमें एडिशनल फ्रेम परचेज करना पड़ता है और इसी के साथ यहाँ पर हमें एक अडेप्टर भी परचेज करना पड़ता है। बाकी स्टीरियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय।